दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपको सिर्फ इंटरनेट और किताब वगैरह में दी गई जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति का अपमान करना नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना भाई। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों का खाना पीना उठना बैठना यानी कि हर एक चीज दीन इस्लाम के मुताबिक होती है और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम में बताए गए तौर तरीकों के हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। पर दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं कि क्या चीज खाई जा सकती है और क्या चीज नहीं खाई जा सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता, वैसे इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना मना है। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम आपको बता दें, मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी वगैरह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों सूरा 5 आयत 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है, मृत पशु, खून, सुअर का मांस और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर खास तौर पर सुअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 7 में सुअर को न खाने का उल्लेख है। अब ये दोनों ही धार्मिक किताबें सुअर के मांस को न खाने को कहती हैं, तो आखिर सुअर के मांस खाने में समस्या क्या है? तो दोस्तों इस चीज का जवाब सुअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है, क्योंकि सुअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस हो या फिर मल ही क्यों ना हो, सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हर एक चीज का सेवन कर लेता है। जी हाँ, विकसित देशों में सुअर भले ही साफ जगहों पर पाले जाते हों, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। गांव और देहात में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग इसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ ना मिलने पर सुअर उसका सेवन भी कर लेते हैं। अब आप समझ गए कि सुअर किस लेवल तक की चीजें खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद ही साफ तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते भी हैं कि हो सकता है साफ सुथरी जगह पर सुअर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कोशिश क्यों ना करें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि भला आप बिल्ली के सामने दूध रख दें और ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि बिल्ली की फितरत में ही दूध को पीना होता है। ठीक इसी तरह गंदे वातावरण में सुअर का रहना इतनी मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत है। और कोई भी जानवर अपनी आदत या मजबूरी बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं बदल सकता। इसी वजह से सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े सुअर के मांस खाने से तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक टैप वॉर्म है। ये एक बहुत ही लंबा कीड़ा होता है, आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कनों की गति में गड़बड़ी करने लगता है। अगर ये आंखों में चला जाए तो उसे देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
अब आप सोच लीजिए, मात्र सुअर खाने से आपको कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सुअर का मांस कच्चा खाएं या फिर इसे पकाकर खाएं, सुअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े रहते हैं वो पकाने पर नष्ट नहीं होते। साथ ही सुअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, 50 से ज़्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसका बड़ा कारण उनका खान पान है, जिसमें सुअर का मांस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं सब वजहों से कुरान पाक में सुअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सुअर को न खाने की कुरान पाक में मनाही का ये कारण भी हो सकता है, सुअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। जहां नन्हे बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सुअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है और नर सुअर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए सुअर को न पालने की हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।